The first question is, a 30 meter steel tape was standardized at 20 degree centigrade. The tape was used when the ambient temperature was 40 degree centigrade. If 30 meter length measured with the tape will actually be taken coefficient of expansion of the tape material as 15 into 10 power minus 6. So options kya hai, that is 30.09, 30.009, 29.991 and 29.9. So question pucha gaya RPSC 2012 mein. So find karna hai, that is actual length. So yahan pe tape corrections temperature correction ki baat ho rahi hai. So temperature correction kya hota hai, that is Ct is equal to alpha Tm minus T naught into L. So yahan pe जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने गिवन है, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फील्ड टेम्परेचर कितना गिवन है, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द मेजर्ड लेंथ कितना है, दैट इज 30 मीटर्स, एंड अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टेप मटेरियल कितना गिवन है, दैट इज 15 इंटू 10 पावर माइनस 6. सो टेम्परेचर करेक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज 15 इंटू 10 पावर माइनस 6, एंड दैट इज 40 माइनस 20 into that is L, that is 30. So इसको solve करते हैं, that is 15 into 10 power minus 6 into 20 into 30. So इसको solve करते हैं, ये value आएगी, that is 9000 into 10 power minus 6, or we can say that is 0.009 meter. So actual length कितनी हो जाएगी, that is actual length, that is 30 plus temperature correction कितना है, that is 0.009. So value आएगा, that is 30.009 meter. It means option B is correct. Next question है, the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is known as. Options क्या है, azimuth, declination, local attraction, magnetic bearing. So question पूछा गया है UPSC A 2003 and UPRVNL A 2016 में. सो यहाँ पे एंगल पूछा गया है, दैट इज ट्रू मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, दैट इज ये होता है, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्वेइंग मेजरमेंट द बेयरिंग टेकन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ आर रेफर्ड एज. ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक मेरेडियन, ट्रू मेरेडियन, होल सर्किट बेयरिंग, रिड्यूस बेयरिंग. सो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी आरबीएनएल ए 2016 में. सो यहाँ पे बात किया जाए बेयरिंग टेकन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ. सो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो बेयरिंग्स ली जाती है वो क्या होती है, दैट इज होल सर्किट बेयरिंग होती है. एंड रिड्यूस बेयरिंग में क्या होता है, नॉर्थ में लेता है, साउथ में लेता है, विच एवर इज नियर टू द सर्वे लाइन. सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोनिक लैग इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग जीरो डिक्लिनेशन, मैक्सिमम डिक्लिनेशन, मिनिमम डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन. सो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2003 में. सो अगोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग जीरो डिक्लिनेशन, एंड आइसोगोनिक लाइन उसको बोला जाता है जो ज्वाइन करता है इट इज सेम डिक्लिनेशन के लिए. तो उसके लिए उस लाइन को क्या बोला जाता है, इट इज आइसो वो डिक्लाइन. सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएल ऑफ द पॉइंट ए व्हिच इज ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर एंड द बैक साइड रीडिंग ऑन ए इज 2.455 मीटर. इफ द फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी व्हिच इज ऑन द सीलिंग इज 2.745 मीटर, the RL of the point B will be, options क्या है, that is 94.80, 99.71, 100.29 and 105.20. So question पूछा गया है UPSC A 2003 में. So यहाँ पे question में बोला जा रहा है कि एक point A है and और A point का जो RL है वो कितना given है, that is 100 meter given है, and A point पे जो बैक साइड रीडिंग ली गई है वो कितनी ली गई है, दैट इज 2.455. एंड यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे सीलिंग है,
एंड सीलिंग पे जो 4 सेट की रेडिंग ली गई है, सो ये रेडिंग कितनी है, दैट इज 2.745। सो फाइंड करना है पॉइंट बी का आर एल फाइंड करना है, ठीक है। सो आर एल ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा, दैट इज आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड की रीडिंग दैट इज 2.455 प्लस सीलिंग दैट इज ये जो आपको 4 साइड गिवन है सीलिंग की दैट इज 2.745। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 2.455 प्लस 2.745। सो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 105.20 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच द बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेवलिंग इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट साइड बेंच मार्क स्टेशन चेंज पॉइंट। सो क्वेश्चन पूछा गया है आर आर बी में, पूछा गया 2005 में। सो बैक चेंज पॉइंट पे क्या होता है, बैक साइड और फोर साइड दोनों लिया जाता है। तो दैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज चेंज पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आर एल ऑफ अ बीम इफ द आर एल ऑफ द बेंच मार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 2.1215 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.870 मीटर, द आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन इज, ऑप्शन क्या है, 99.345, 101.215, 100.655, 101.870। सो क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी 2013 में। सो आर एल ऑफ बेंच मार्क कितना गिवन है, आर एल ऑफ बेंच मार्क ये गिवन है दैट इज 100 एंड द बैक साइड कितना गिवन है, बी एस कितना गिवन है, दैट इज 1.215 गिवन है एंड द फोर साइड कितना गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं एच आई दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बी एस प्लस बैक साइड। सो दैट मीन्स 100 प्लस 1.215 दैट मीन्स 101.215 मीटर एंड हमको फाइंड करना है आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। सो दैट इज आर एल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन इज इक्वल टू दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या कर देंगे, दैट इज फोर साइड को माइनस कर देंगे। तो दैट इज 101.215 माइनस 1.870। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 99.345 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट, ऑप्शंस क्या है, फोर साइड ओनली, बैक साइड ओनली, ओनली फोर साइड एंड बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। सो क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी एसीएफ 2011 में। सो टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट पे फोर साइड ली जाती है और बैक साइड ली जाती है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।